आपको बता दें कि जनपद बागपत में हजारों की संख्या में नियमों के विरुद्ध ई रिक्शा फराटे भर रही हैं, जिनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है तथा ना ही लाइसेंस है। जिला प्रशासन की ओर से सभी ई रिक्शा चालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिन ई रिक्शा को जिला प्रशासन द्वारा कब्जे में लिया गया था उनमें से कुछ को छोड़ दिया गया है। वहीं ARTO सुरेंद्र सिंह का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के सैकड़ों ई रिक्शा जनपद में चल रहे हैं जो गैर कानूनी है। इसके लिए शासन ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। जल्द ही जिले में नियमों के विरुद्ध चलने वाली ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल से रोजदीन त्यागी जी की रिपोर्ट बागपत से। ये दो रोजी रोटी कमा रहे हैं, कल इनके साथ बदतमीजी भी करी किसी अधिकारी ने कि भाई तुम रिक्शा तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, तो चाबी वाबी निकाल ली, चालान भी करते हैं पुलिस वाले इनका। आप जो है, मैं इनके साथ दिलो जान से हूँ और मैं इनका जो है रिक्शा चलवा के रहूँगा किसी भी कीमत, क्योंकि गरीब आदमी के साथ है हम, और गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा, मरता क्या नहीं करेगा, वैसे ही रोजगार ठप है सभी लोगों के, इनके तो बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर रिक्शा नहीं चलेगी। पानी की घटना भी संज्ञान में आई थी, जिसके चलते सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि केवल वही रिक्शे चलेंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन होगा और चलाने वाले के पास लाइसेंस होगा, और किसी भी कीमत पे जो बच्चे चला रहे हैं रिक्शे इसको नहीं चलने दिए जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ रिक्शाएं जब्त की गई सर? कुछ ही रिक्शाएं ऐसी जब्त नहीं की गई हैं जो उनकी खड़ी करवाई गई थी, उसमें से कुछ लोगों ने मोहलत मांगी कि हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टाइम दे दिया जाए, उनका ई रिक्शा उन्हीं के हवाले कर दिया गया है और ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और आपके पास DL होना चाहिए तभी चलने दिया।